नॉर्वे में आसमान से आफत गिरी। ब्रह्मांड से आग का विशाल गोला नॉर्वे की राजधानी से कुछ किलोमीटर दूर गिरा। इस खगोलीय घटना ने हर किसी को सन्न कर दिया। आसमान से गिरते उल्कापिंड कैमरे में भी कैप्चर किए गए। इस घटना के बाद चीन ने दावा किया कि वो किसी भी उल्कापिंड को धरती पर गिरने से रोक सकता है, आसमान में ही उसे छिन्न भिन्न कर सकता है। आखिर क्या है चाइनीज रॉकेट साइंस का ये नया प्रयोग, आप खुद देखिए। ये तस्वीर नॉर्वे की, जहां बीती रात अचानक आसमान में जोरदार बिजली चमकी और तेज गड़गड़ाहट के साथ नॉर्वे का ओस्लो इलाका थर्रा गया। कुछ ही सेकंड बाद आसमान में आग का बड़ा सा गोला दिखाई दिया। ये कुछ और नहीं बल्कि एक उल्कापिंड था जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के आसपास गिरा। हालांकि इस उल्कापिंड के गिरने से किसी भी तरह के नुकसान की खबर तो सामने नहीं है, मगर ओस्लो में हुई इस खगोलीय घटना ने हर किसी को सन्न जरूर कर दिया। नॉर्वे के मीडिया की माने तो राजधानी ओस्लो से करीब 60 किलोमीटर दूर किसी सुनसान इलाके में उल्कापिंड के कुछ हिस्से गिरे। चारों तरफ घना जंगल था, आसपास कोई रिहायशी इलाका नहीं था, लेकिन इस वाकये के बाद नॉर्वे की सरकार अलर्ट मोड पर आ गई। आशंका इस बात की भी थी कि शायद कोई और उल्कापिंड शहरी इलाके में ना गिर जाए। आपको बता दें कि आसमान से आने वाले इस खतरे को टालने के लिए अब तक ऐसी कोई तकनीक नहीं बन सकी। हालांकि खतरे को भांपने और अध्ययन के लिए एटलस सिस्टम यानी एस्ट्रॉइड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम की दूरबीन तैयार है, जिसे अमेरिका के हवाई यूनिवर्सिटी में बनाया गया है, जो सिर्फ आगाह करने के काम आती है, मगर उल्कापिंड को धरती पर आने से रोकना मुमकिन है। अब चीन ये दावा कर रहा है कि वो जल्द ही उल्कापिंड को पृथ्वी से टकराने की घटना पर लगाम लगा सकता है, बड़े से बड़े उल्कापिंड को आसमान में तहस नहस कर सकता है, और इसके लिए ड्रैगन ने मिसाइलों को अपना हथियार बनाया है। चाइनीज रॉकेट साइंस अब अंतरिक्ष में उल्का पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। चीन के नेशनल स्पेस सेंटर की माने तो ड्रैगन लॉन्ग मार्च 5 नाम से 23 रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजेगा। 500 टन वजनी रॉकेट पृथ्वी की तरफ रफ्तार से बढ़ रहे उल्कापिंडों को आसमान में ही तहस नहस कर देंगे या फिर उसका रास्ता बदल देंगे। अब चीन के दावे में कितनी सच्चाई है, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है, ये कहना भी जल्दबाजी होगा। लेकिन डर तो इस बात का भी है कि दुनिया का मसीहा बनने के चक्कर में ड्रैगन त्रासदी न लाते, क्योंकि कई बार चीन के रॉकेट फुस्सी साबित हुए। स्पेस में जाने से पहले ही ब्लास्ट होने की खबरें सामने आई। ऐसे में चीन अगर उल्कापिंडों को ध्वस्त करने के लिए एक साथ 23 रॉकेट दागता है, अगर वो फुस हो गए और धरती के किसी कोने में गिरे तो तबाही मच सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवीएन भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।